हेलो फ्रेंड्स, आज की नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि रियलिस्टिक आईज और नोज़ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जो मटेरियल हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो ब्रश है, और पेंसिल में 2B पेंसिल, 10B पेंसिल, 4B और 8B। बस हम इन 4 पेंसिल्स का यूज़ करेंगे और टॉम्बो मोनो 0 इरेजर का। तो स्टार्टिंग मैं करूँगा 2B पेंसिल से। तो पहले हम लाइट शेडिंग करेंगे पूरे, मतलब कि जहाँ जहाँ जिस तरीके आपको, मतलब कि आपके फ़ोटोग्राफ में लगे उस तरीके लाइट शेडिंग कर लीजिए, और जहाँ पर डार्क हो वहाँ पर डार्क कर दीजिए, सेम शेडिंग कर लीजिए। तो सबसे पहले 2B पेंसिल का यूज़ करके मैंने लाइट शेडिंग कर ली है, देख लीजिए। और जहाँ जहाँ डार्क है मैं वहाँ पर डार्क भी कर दे रहा हूँ उसी पेंसिल का यूज़ करके। दूसरी पेंसिल हमें अभी यूज़ नहीं करनी है। तो पहले मैं पूरी आइज़ को शेड कर लेता हूँ और उसके नीचे हल्का सा। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से मैं कर रहा हूँ शेडिंग, आपको भी इसी तरीके से करनी है। पेंसिल को शार्प करके रखना है, अगर बिना शार्प करेंगे तो पैचेस आ जाएंगे। और जहाँ पर डार्क है वहाँ पर मैं उसी पेंसिल का यूज़ करके डार्क कर रहा हूँ शेडिंग, देख लीजिए। और उसके बाद ब्रश से ब्लेंड करना है। और सबसे मेन चीज़ जो है वो टॉम्बो मोनो 0 इरेजर है, उससे आपको हाईलाइट करना है, तभी वो रियलिस्टिक लगेगा, वरना रियलिस्टिक लगेगा ही नहीं, और मतलब आपकी ड्राइंग में लुक नहीं आएगा। तो सबसे पहले इस तरीके से देख लीजिए, आपको इरेजर को कट करके स्लोली स्लोली हाईलाइट करने, देख लीजिए छोटे छोटे बिल्कुल। इससे आपकी मतलब कि आइज़ में जो मतलब हाईलाइट्स हैं वो आप कर देंगे तो आपकी ड्राइंग रियलिस्टिक लगेगी। और आइज़ के बीच में भी शेडिंग थी हल्की, तो वहाँ पे भी मैंने कर दी। अब मैं 10B पेंसिल का यूज़ करके इसको डार्क कर लेता हूँ जितना हो सके, जितना था उतना मैंने डार्क कर लिया। और अब मैं और डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, देख लीजिए कुछ इस तरीके से। आपको एकदम स्लोली स्लोली वर्क करना है, अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो आपका इस तरीके रियलिस्टिक बन ही नहीं पाएगा, आपका मतलब कि रियलिस्टिक लगेगा ही नहीं। एकदम स्लोली काम करना है और हाईलाइट देख के आपको बिल्कुल फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग हाईलाइट भी लगा लेना है। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके, ब्रश का आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, अगर आप ब्रश का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी मतलब कि ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। मैंने देख लीजिए अभी थोड़ा सा ब्रश का यूज़ करा एकदम ब्लेंड करने के लिए। अभी ब्रश का भी हमको जिस तरफ आपके मतलब स्ट्रोक्स लगे उसी तरफ का ब्लेंड करना है, और एकदम स्लोली स्लोली ब्लेंड करना है, और हाईलाइट ज़रूरी है। तो बीच बीच में मैं 4B पेंसिल का भी यूज़ कर रहा हूँ, जो मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा डार्क शेडिंग है वहाँ के लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और टॉम्बो मोनो 0 इरेजर से हाईलाइट कर रहा हूँ। और अब मैं दूसरी आइस को भी इसी तरीके से शेड कर लेता हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने आउटलाइन का ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया कि ग्रिड मेथड का यूज़ करके आप आउटलाइन कैसे बना सकते हैं, तो आई बटन पर लिंक है, जाकर देख लीजिएगा, उससे ही मैंने ये आउटलाइन बनाई थी। आपको पेशेंस रखना है, अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपकी ड्राइंग रियलिस्टिक नहीं लगेगी, आपकी ड्राइंग फीकी फीकी सी लगेगी। आपको पेशेंस रख के एकदम स्लोली स्लोली वर्क करना है तो आपकी ड्राइंग रियलिस्टिक लगेगी। अभी आपको उतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, पर आप वेट करिए, इसको पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आप देखिएगा एकदम रियल लगेगी। तो अब मैंने नोज़ को शेडिंग करना शुरू कर दिया है। तो पहले मैंने 2B पेंसिल का यूज़ करके पूरे में शेड करके उसको ब्रश से ब्लेंड कर लिया है, और उसके ऊपर 4B पेंसिल से एक बार वो कर दिया है, और हाईलाइट कर रहा हूँ टॉम्बो मोनो 0 इरेजर से, देख लीजिए कुछ इस तरीके से। और फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर ही शेडिंग कर दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ मतलब हाईलाइट के बाद शेड है, हाईलाइट को बचा कर। और उसके बाद मैंने 10B पेंसिल से एक बार लास्ट मतलब कि लुक देने के लिए 10B पेंसिल से एक और बार लेयर उसके ऊपर ऑप्ट कर दिए, ताकि और रियलिस्टिक लगे। तो मैंने एक बार और लेयर ऑप्ट कर दी। नोज़ में भी इसी तरीके का हमें कर लेना है, और देख लीजिए कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। फिर मैंने टॉम्बो मोनो 0 इरेजर से हाईलाइट कर लिया, छोटा छोटा जो मतलब पॉइंट है उसको हाईलाइट करने से रियलिस्टिक लगती है ड्राइंग। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके की ड्राइंग लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके आगे और भी ट्यूटोरियल आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि रियलिस्टिक ड्राइंग और हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग हम कैसे बना सकते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।